हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ स्पाइसी फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए हमें चाहिए जीरा। जीरा को गोल्डन ब्राउन होने देंगे। खड़ा मसाला लेंगे, जैसे तेजपत्ता, लौंग, इलायची, काली मिर्च, 4 से 5 हरी मिर्च लेंगे। प्याज लेंगे, जिसे मैंने लंबा लंबा काटा हुआ है। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अगर आप चाहें तो प्याज को छोटा छोटा भी काट सकते हो। उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं। टमाटर को छोटा छोटा चॉप किया हुआ है। मिक्स करेंगे। कुछ सूखे मसाले लेंगे, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। एक चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला लेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने 2 आलू लिए हुए हैं, जिसे मैंने लंबा लंबा काटा हुआ है। आलू डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। चावल लेंगे। मैंने 2 से 3 बार चावलों को अच्छे से धो लिया था और 20 मिनट के लिए इसे पानी में रखे रहने दिया था। मैंने यहाँ बासमती राइस का मिनी मोगरा लिया है। अगर आप चाहें तो कोई भी चावल का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 कटोरी चावल लिए हैं, तो उसके लिए मैं 1.5 कटोरी पानी का यूज़ करूँगी। कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी आने तक पका लेंगे। गैस बंद करेंगे। अब हम खोल के देखेंगे, हमारे चावल बनकर तैयार हैं। मैं सर्व करूंगी। ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। एक अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें हल्के हाथों से ही मिक्स करना है, ताकि हमारे चावल टूटे ना। प्लेट में निकालेंगे और गरम गरम स्पाइसी फ्राइड राइस बनकर तैयार है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।